भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज जीत ली है, लेकिन जहां तक आखिरी T20 इंटरनेशनल की बात है, इसमें भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी और बांग्लादेश ने भारत की महिला टीम को 4 विकेट से पराजित कर सीरीज में एक कॉन्सोलेशन जीत हासिल की। आज आपको यही बताऊंगा कि कहां कमजोरी रह गई भारत की महिला टीम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल की जो सीरीज खेली जा रही थी बांग्लादेश में, उसके तीसरे मैच में बांग्लादेश ने जीत हासिल की है और आप कह सकती हैं कि एक तरह से ये एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री है उनके लिए, क्योंकि इससे पहले खेले गए दोनों ही मैच जो है वो भारत की महिला टीम ने जीत लिए थे और सीरीज पर भारतीय टीम का 2-1 से कब्जा हुआ है। लेकिन तीसरे T20 इंटरनेशनल में जो भारतीय टीम का इरादा था कि वो बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करेगी, वो नहीं हो सका। तो क्यों नहीं हो सका? इसकी बहुत सीधी सी वजह यह है कि भारत की जो महिला टीम है उनके बैटर्स एक बार फिर से नाकाम रहे, और जब बैटर आपको स्कोर बनाकर नहीं देंगे तो हर बार गेंदबाज मैच तो नहीं जिता सकता ना। लेकिन ये बात हुआ कि जो भारत के गेंदबाज हैं उन्होंने कोशिश की मैच को रोचक बनाने की, जितनी कोशिश हो सकती है उन्होंने की, 6 विकेट भी निकाल लिए बांग्लादेश के, लेकिन स्कोर भारत ने कितना बनाया था? सिर्फ 102 रन। ओपनर्स सफल नहीं हो सके, स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो गई 1 रन बनाकर, उसके बाद शेफाली वर्मा भी आउट हो गई और देखते ही देखते 20 रन पर भारत के 2 विकेट गिर गए। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत और जमीमा रोड्रिगेज ने एक साझेदारी निभाने की कोशिश की और दोनों ने अपनी टीम को उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से आप एक अच्छा स्कोर देख सकते थे, लेकिन वहां पर जमीमा 28 रन बनाकर आउट होती हैं और उसके कुछ देर बाद जब हरमनप्रीत भी आउट हो जाती हैं तो फिर बाकी बैटर्स जो है वो अपना काम नहीं कर पाते। सिर्फ यास्तिका उसके बाद डबल फिगर में जाती हैं और अन्य कोई बैटर भी डबल फिगर में नहीं जाता है और भारत जो है निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाता है। 103 रन चाहिए थे बांग्लादेश की टीम को मैच जीतने के लिए, इस सीरीज में पहली जीत हासिल करने के लिए। हालांकि शुरुआत बांग्लादेश की भी अच्छी नहीं रही और उसके भी 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, लेकिन यहां पर शमीमा सुल्ताना और निगार सुल्ताना ने एक साझेदारी की और इसी साझेदारी के बल पर बांग्लादेश की टीम ने मैच जीत लिया। शमीमा सुल्ताना ने 42 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेली और निगार सुल्ताना ने, जो कि कप्तान है बांग्लादेश की टीम की, उन्होंने 14 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम को जो है 4 विकेट की जीत दिला दी। भारत के लिए मिन्नू मनी ने एक बार फिर से 2 विकेट लिए, देविका वैद्य खेलने आई थी उन्हें भी 2 विकेट मिला, लेकिन दीप्ति शर्मा को विकेट नहीं मिला और जब आपका प्रमुख गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाता है तो मैच जीतना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। तो अब जबकि इसके बाद वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज होनी है, भारत की महिला टीम को अपनी बैटिंग पर फोकस करना होगा, ऐसा स्कोर बनाकर देना होगा जिसे डिफेंड करने में गेंदबाजों को आसानी हो। दूसरी तरफ इस जीत से बांग्लादेश जो है एक विश्वास अपने अंदर पैदा कर सकेगा कि नहीं, वो भारत की महिला टीम को हरा सकता है। तो इसलिए भारत की महिला टीम के लिए सचेत होने की जरूरत है, आप कोई अवसर सामने विपक्षी टीम को नहीं दे सकते। अभी आपके लिए सूचना यही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 मैचों की T20 सीरीज हुई उसमें भारत की टीम ने जीत हासिल की है 2-1 की, और जो तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया उसमें बांग्लादेश की महिला टीम को जीत मिली है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।